तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं दोस्तों आप स्नैपचैट पर किसी को आप ब्लॉक करने के लिए, यानी कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन पे आप किसी को भी आप ब्लॉक करने के लिए, तो ये दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, बल्कि आपको प्ले स्टोर में आ जाना है, देन सर्च बार में आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्नैपचैट लिखकर सर्च कर देना होगा। जैसे ही आप स्नैपचैट लिखकर सर्च करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलता है स्नैपचैट। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, अगर आपको इधर प्ले स्टोर से स्नैपचैट एप्लीकेशन को आपको इधर से अपडेट का ऑप्शन शो रहा है तो आपको इधर से अपडेट कर लेना है। यानी कि दोस्तों अगर आपको प्ले स्टोर से स्नैपचैट एप्लीकेशन का अपडेट का ऑप्शन शो रहा है तो आपको इधर से अपडेट कर लेना है। इससे ये होगा कि जो भी स्नैपचैट एप्लीकेशन में न्यू फीचर आया होगा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एंड ये भी हो सकता है कि अगर प्ले स्टोर से स्नैपचैट एप्लीकेशन का अपडेट आया है एंड अगर आप अपडेट ना करते हैं तो क्या पता दोस्तों आप स्नैपचैट एप्लीकेशन पे आप किसी को आप ब्लॉक ना कर पाएं। तो आपको क्या करना है, आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन का प्ले स्टोर से अपडेट चेक कर लेना होगा। अगर अपडेट आए तो आपको अपडेट कर लेना है। अब उसके बाद सिंपल आपको इधर से ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाता है, फ्रंट या फिर बैक। अब आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, देन प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब दोस्तों आपको इस तरह का करना होगा स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलते हैं माई फ्रेंड्स। तो सिंपल आपको दोस्तों माई फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर देना होगा, देन इस पर क्लिक करने के बाद आपका जितना भी फ्रेंड्स होंगे वो सारा आपको फ्रेंड देखने को मिल जाता है। देन अब अगर आप चाहते हैं दोस्तों आप किसी पर्सन को आप इधर से ब्लॉक करने के लिए, तो सिंपल आपको उस पर्सन पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा, देन क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब सिंपल दोस्तों उसका जो भी प्रोफाइल होगा उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब सिंपल आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, देन उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं मैनेज फ्रेंडशिप। तो सिंपल आपको मैनेज फ्रेंडशिप इस पर क्लिक कर देना होगा, देन इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ब्लॉक। तो सिंपल आपको ब्लॉक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं आर यू श्योर वेंट टू ब्लॉक। उस पर्सन का जो भी आईडी होगा जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं वो देखने को मिलता है। अब सिंपल आपको ब्लॉक पर क्लिक कर देना होगा, देन ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं दोस्तों वो जो पर्सन है वो इधर से ब्लॉक हो गया है। तो कुछ ये था प्रोसेस जिससे कि आप स्नैपचैट पर आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड आपका एनी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं किसी से ही नेक्स्ट वीडियो में।